अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नाज़िया डेली रिमाइंडर्स। आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन पकौड़ा। चलिए देखते हैं चिकन पकौड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या क्या लिया है। नींबू, लहसुन का पेस्ट, चिकन, कॉर्नफ्लोर, बेसन, धनिया पत्ती बारीक कटा, चावल का आटा, प्याज बारीक कटा, हल्दी, धनिया, जीरा पाउडर और हरी मिर्च, एक चम्मच लहसुन का पेस्ट, अदरक हाफ चम्मच, नींबू का रस थोड़ा सा ऐड करूँगी इसमें, हल्दी, धनिया, जीरा पाउडर हाफ टीस्पून, चावल का आटा मैं इसमें डालूँगी क्रिस्पी होने के लिए 2 चम्मच, नमक हाफ चम्मच, बेसन 1 चम्मच, कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच, प्याज बारीक कटा, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, लाल मिर्च और चिकन मसाला, टोमेटो सॉस, सोया सॉस और ग्रीन चिल्ली सॉस। अब सभी को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसमें फूड कलर ऐड करूंगी, ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए मैं ढक कर रख दूंगी। 20 मिनट हो चुका है, अब मैं फ्राई करूंगी चिकन। इसके लिए मैंने पैन में तेल लिया है, तेल अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब मैं इसमें चिकन डालूंगी। चिकन को मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करना है ताकि ये क्रिस्पी हो सके। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। ये चिकन मेरा फ्राई हो गया है, अब मैं इसे निकालूंगी। रेडी हो गया है हमारा चिकन पकौड़ा। जल्द मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।